हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिंग विद कोमल। एंड अगर आप मेरे चैनल बनाए हैं तो लेट मी नो यू। माय नेम इज कोमल पुरोहित। आई मेक वीडियोस ऑन मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप हैक्स, हेयर स्टाइल्स एंड मैनी मोर। तो अगर आपको इन सब टॉपिक में इंटरेस्ट है तो प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्लीज क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन उसी के थ्रू मिलेगी। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा। मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक, एंड आप देख सकते हो। एंड ये मेकअप मैंने क्रिएट किया है ओनली 5 प्रोडक्ट्स का यूज़ करके। यस, मैंने यहाँ पे ओनली 5 प्रोडक्ट्स ही यूज़ में लिए हैं एंड उसी से मैंने क्रिएट किया है ये वाला मेकअप लुक। आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा मेकअप का सामान नहीं रखते हैं, बट यू नो मेकअप का शौक रखते हैं, मेकअप सीखना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं यूज़ भी लूँगी ओनली 5 प्रोडक्ट्स मेकअप करने के लिए। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे यूज़ में ले रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, एंड 2-3 तो प्रोडक्ट्स आई थिंक सबके पास हो ही जाएंगे जो मैं यहाँ पे वीडियो में यूज़ में ले रही हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक है, सब जने यूज़ में लेते हैं। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने वेयर की है व्हाइट कलर की ये अनारकली कुर्ती है कॉटन में, एंड इसी के साथ मैं मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं यहाँ पे ओनली 5 प्रोडक्ट्स यूज़ में लूँगी एंड उसी के साथ है ना सारा मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना आपको अपना स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने फेस वॉश कर लिया था, टोनर लगा दिया था, एंड उसके बाद आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जो क्रीम है वो यूज़ में लेना है, क्योंकि अगर बेस ही बहुत ज़्यादा ड्राई रहेगा, बहुत ज़्यादा यू नो फ्लेकी रहेगा, तो आपका जो मेकअप है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए अच्छे से आपकी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र हो वो आप यूज़ में लीजिए अपने फेस पे। मैंने लगा दी है मॉइस्चराइजर क्रीम एंड मेरी स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो गई है, प्रेप हो गई है। एंड अब बारी आती है बेस की। तो जैसा कि मैंने बोला था ओनली 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ में लूँगी, तो पहला जो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज़ में लेने वाली हूँ वो है लैक्मे की सीसी क्रीम, एंड इसी से पूरा मेरा जो बेस है वो बनाऊंगी। आपको डॉट डॉट करते हुए फेस पे लगाना है, जिससे क्या होगा ना इक्वली स्प्रेड होगा। अब मैंने यहाँ पे ना तो कंसीलर यूज़ में लिया है ना ही कलर करेक्टर यूज़ में लिया है, बट मेरे थोड़े से डार्क सर्कल है तो मैं यहाँ पर थोड़ा प्रोडक्ट लगाऊंगी। एंड इसे लगाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कवरेज नहीं मिली है तो आप डबल कोट भी लगा सकते हो, ताकि आपको अच्छे से कवरेज मिल जाएगी। एंड डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, अच्छे से स्प्रेड करना है। आप चाहे तो हाथों की हेल्प से भी स्प्रेड कर सकते हो, बट नेक पे भी लगाना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है नेक को। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सीसी क्रीम लगाने के बाद हल्का हल्का यहाँ पे मुझे है ना मेरी पिगमेंटेशन दिख रही है, डार्क सर्कल दिख रही है, तो उस पर मैं डबल कोट लगाऊंगी। मैंने लैक्मे की सीसी क्रीम यहाँ पे लगा दी है एंड आप देख सकते हो अच्छे से कवरेज मिल गई है। एंड जहां पर आपको लग रहा है आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह, तो वहां पे आप है ना डबल कोट करके इस तरह से जैसे मैंने डार्क सर्कल पे लगाया था वैसे आप लगा सकते हो और कवरेज आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैंने लगा दी है मेरी सीसी क्रीम, एंड सीसी क्रीम लगाने के बाद अब बारी आती है ये कॉम्पैक्ट पाउडर की। ये लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने लगाया यहाँ पे क्रीम प्रोडक्ट तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे ना काजल वाजल मेकअप वगैरह करके, बाकी का जो भी मेकअप है वो बचा हुआ, तो क्या होगा ना मेकअप इन गर्मियों में बहुत जल्दी स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो मेकअप है ना मेल्ट डाउन हो जाएगा, ऑयली सा दिखेगा आपका फेस। इसलिए पूरे बेस को अच्छे से सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सेकंड प्रोडक्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि है लैक्मे का, एंड मेरे पूरे बेस को मैं अच्छे से सेट करूंगी।
मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से मेरे बेस को जो मैंने सीसी क्रीम लगाई थी उसे अच्छे से सेट कर दिया है, ताकि गर्मियों में आपकी स्किन ना बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं दिखेगी ये क्रीम लगाने के बाद में, और बिल्कुल भी आपका जो मेकअप आप कर रहे हो ना वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा। सो गाइज, अब हम मैं करूँगी मेरी आईब्रोज को अच्छे से सेट ट्रिल, एंड उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ में ले रही हूँ लॉरेल का ये आईब्रो किट, एंड थर्ड प्रोडक्ट है ये। आपने देखा पहले दो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ में ले ली, एंड थर्ड प्रोडक्ट अब मैं मेरी आईब्रोज को फिल करने के लिए यहाँ पे आईब्रो का ये किट यूज़ में ले रही हूँ। एंड आईब्रो पेंसिल आपके पास है तो आप वो भी यूज़ में ले सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने कर दी मेरे आईब्रोज को अच्छे से फिल, एंड अब बारी आती है आई मेकअप की। तो जैसा कि मैंने बताया मैं ओनली 5 प्रोडक्ट्स यूज़ में लूँगी, तो फोर्थ जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मैं यूज़ में लूँगी काजल। जैसा कि मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मैं ओनली 5 प्रोडक्ट यूज़ करके मेकअप बना रही हूँ, तो बस इस काजल से ही जो भी आई मेकअप करना है वो करने वाली हूँ। पहले मैं बस काजल के जैसे नॉर्मल काजल लगाते हैं वैसे ही वाटर लाइन पर काजल लगाऊंगी। देख सकते हो मैंने काजल लगा दिया है, लोअर वाटर लाइन पे लगाया है, एंड अब मैं एक लाइनर के जैसे है ना लाइन क्रिएट करूंगी आईलिड्स पे इसी काजल की हेल्प से। आप देख सकते हो मैंने काजल से ही एक आईलाइनर का जो लुक है वो क्रिएट कर दिया है, एंड इस आईज पे भी इसी तरह से हम करेंगे। सो गाइज, अभी मैं लास्ट प्रोडक्ट यूज़ में ले रही हूँ जो कि है लिपस्टिक, शुगर की ये रेड लिपस्टिक है। आप देख सकते हो मैंने लिपस्टिक लगा दी है, एंड बहुत अच्छा रेड कलर है ये, एंड आप चाहे तो इसी लिपस्टिक से है ना चिक टिंट भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं आपको लगा के बताती हूँ। सो गाइज, मैंने उसी लिपस्टिक से ना चिक टिंट लगा दिया है। अगर ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो करिए, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है मेरा मेकअप कंप्लीट, एंड फाइनल लुक के साथ में मैं आपको अभी मिलती हूँ। दिस इज़ माई फाइनल लुक, एंड आप देख सकते हो मेकअप कितना अच्छा लग रहा है, एंड मैंने ये लुक क्रिएट किया है ओनली 5 प्रोडक्ट्स का यूज़ करके, जैसा कि आपने पूरे वीडियो में देखा है। सो गाइज, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं हैं तो आप मेकअप नहीं कर सकते हो। मैंने पूरे वीडियो में बताया है बेसिक से मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ में लिए हैं जो आजकल सभी यूज़ में लेते हैं, टीनेजर्स भी यूज़ में लेते हैं, और 40 के ऊपर वाले भी ये कॉम्पैक्ट पाउडर एंड सीसी क्रीम सभी जने यूज़ में लेते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है तो ही आप अच्छा मेकअप कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम प्रोडक्ट्स के साथ में, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ में भी आप ये वाला मेकअप लुक कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर रहा है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। गाइज, लाइक करने में प्लीज़ कंजूसाई मत दिखाइए, क्योंकि व्यूज़ तो देख रहे लोग बट लाइक एंड शेयर नहीं करते हैं। तो अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियोस जो है वो अच्छे लग रहे हैं। सो गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।